This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका इनबिज़ न्यूज़ पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आज शाम सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सभी विधायकों के साथ बैठक शाम 6 बजे और सभी सांसदों के साथ शाम 7 बजे वर्षा बंगले में होगी। जम्मू कश्मीर के रियासी में FSL की टीम मौके पर पहुंची, जहां कल आतंकवादियों ने एक बस पर हमला किया था। इस आतंकवादी हमले में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अयोध्या से दर्शन कर बिहार जा रही यात्रियों से भरी बस की डंपर से टक्कर हो गई। टक्कर में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। दिल्ली के उपराज्यपाल LG V.K. सक्सेना आज जल मंत्री आतिश से मुलाकात करेंगे और हरियाणा द्वारा मुनक नहर से अपर्याप्त पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में BJP दफ्तर में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मंत्री बेनी गैट्स ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपातकालीन सरकार से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। भारत ने ICC T20 विश्व कप 2024 में न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को 6 रनों से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। रियासी बस दुर्घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और मुझे लगातार स्थिति पर नजर रखने को कहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल में 30 नए कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 7 पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा देश के गणमान्य लोग मौजूद रहे। असम में विधायक दल का नेता चुनने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले को लेकर PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब ये शपथ ले रहे थे तब कश्मीर में 10 लोग मारे गए। महाराष्ट्र में मानसून प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही साथ मुंबई में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल समेत 6 मंत्री शामिल हुए हैं। मोदी सरकार में रामदास आठवले को भी मंत्री पद मिला है। मोदी सरकार 3.0 में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया गया है। वहीं अजीत पवार गुट से कोई मंत्री नहीं बनाए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के विक्रोली के कैलाश बिजनेस पार्क में स्लैब गिरने से भयानक हादसा हुआ है। इस घटना में 2 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई में समय से 2 दिन पहले मानसून की एंट्री होने के साथ साथ भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें धंस गई है। वहीं कई जगह जल भरा हो गया है। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है और नई सरकार के गठन के बाद बाजार को शानदार बूस्ट मिला है। सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार निकल गया है और निफ्टी 23,400 का लेवल पार कर ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनत अमान अपनी OTT डेब्यू के लिए तैयार है। वे शो स्टॉपर नाम के शो में नजर आएंगे, लेकिन डेब्यू से पहले ही उनकी सीरीज विवादों में फंसती नजर आ रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।